असलम एवरी वन दिस इज डॉक्टर राइट एट योर सर्विस मैं आपको बताने लगी हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बाल क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं पोस्टमार्टम फेज में बाल क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं दोनों की वजह एक क्यों नहीं है दोनों की वजह क्या है और साथ ही मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा हो तब बाल किस तरह से गिरते हैं नीचे हो तब बाल किस तरह से गिरते हैं क्योंकि जब तक आपको रीज़न और वजूहत सही पता नहीं होंगी तब तक आप उसका ट्रीटमेंट भी सही नहीं करेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते रहेंगे और रूट कॉज पर जाकर उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे वो चीज़ ट्रीट ही नहीं होगी ये जहनी बीमारी पर भी लागू होता है जिसमानी बीमारी पर भी लागू होता है और समाजी बीमारियों पर भी लागू होता है खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रेगनेंसी में ख़वान का जो हारमोन है एस्ट्रोजिन जो फीमेल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एस्ट्रोजिन इज इन्वर्सी प्रोपोर्शन टू थायरइड हार्मोन जब एस्ट्रोजन ऊपर जाता है तो थायरड नीचे जाता है वो एक इस वजह से बहुत सारी खवातिन को जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती और प्रेगनेंसी में फ़ाइटो एस्ट्रोजेंस गुड एस्ट्रोजेंट्स इंक्लूड नहीं करती अक्सर वो कहती हैं हमें बच्चा डिलीवर करते ही हाइपोथायरोडिज़म हो गया था इसलिए हो गया था क्योंकि आपने अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के दौरान गुड एस्ट्रोजेंस से सप्लीमेंट नहीं किया उसने थायरॉड को ज़रूरत से ज़्यादा सप्रेस कर दिया आपकी बॉडी सेहतमंद नहीं थी और अब आप हाइपोथायरडिज़म की पेशेंट बन गई ये आप समझें एक तीर से दो शिकार मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया प्रेगनेंसी के दौरान बाल क्यों गिरते हैं और ये भी बता दिया कि अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी खत्म होते ही हाइपोथायराइडिज्म की हो जाता है अब जैसे ही आपका थायराइड हार्मोन सप्रेस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सर्कुलेशन डाइजेशन और सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी को सप्रेस होगी और सबसे पहले जिस एरिया को सप्रेस होगी वो आपके बाल और नाखून होंगे प्रेग्नेंसी में आपके पास इस वजह से बाल गिरते हैं दिस इज द रीजन अब याद रखें कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी का फोकस आप नहीं होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी का फोकस जिस दिन से आप प्रेग्नेंट होती हैं आपका बच्चा बन जाता है बच्चेदानी में मौजूद यानी अगर आपकी डाइट में आपकी लाइफ में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपका जिसम आपके जरूरी हिस्सों से और जरूरी फंक्शन से न्यूट्रंस खींच खींच के आपके बच्चे को देगा उसको कमी नहीं होने देगा जिसका पता आपको कब लगेगा प्रेगनेंसी के बाद अब आपकी घुटनों में एकदम दर्द शुरू हो जाएगा प्रेगनेंसी के बाद अब एकदम आपके मुंह पर लकीरें आना शुरू हो जाएंगी डिलीवरी के बाद सॉरी डिलीवरी के बाद अब आपके नाखून कमज़ोर हो गए डिलीवरी के बाद अब आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं ये सब कोई इतफाक नहीं हुआ ये सब जो आपने अपना ख्याल नहीं किया ये सब उसके नतएज हैं तो डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है वो उल्टा रीज़न है प्रेगनेंसी के दौरान से प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वजह से हेयर लॉस होता है डिलीवरी के बाद एक में एस्ट्रोजन नीचे जाता है और इतना नीचे जाता है बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके बच्चे दानी में जो झिल्ली थी ना जिसने बच्चा रखा हुआ था प्लेसेंटा वो भी एस्ट्रोजन से करने में मदद कर रहा था जब वो नीचे गया है तो आपके जिसमें तकरीबन दस परसेंट एस्ट्रोजन रह जाता है उतना जितना इतने महीनों से था एस्ट्रोजन आपके साथ एग्जिस्ट करता है बैलेंस में जिस हार्मोन के साथ वो टेस्टोस्टेरोन है हर एक की बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन होता है आदमियों की बॉडी में भी हमारा फीमेल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में भी मर्दों का मेल हार्मोन होता है अब जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है टेस्टोस्ट्रॉन ऊपर जा चला जाता है एंड फॉर सम रीज़न वो इन्जाइम जो टेस्टोस्ट्रॉन को एक बड़े पावरफुल मेल हार्मोन टेस्टोस्ट्रॉन डी एच टी डाहाइड्रोटेस्टोट्रॉन में कन्वर्ट करता है अरोमाटेज वो भी ऊपर चला जाता है डी एच टी के बारे में मैंने पहले बहुत डिटेल में बात की थी जब मैंने हेयरफॉल की बात की थी कि डी एस टी का ऊपर जाना हेयर लॉस और हेयर बैलनेस का एक बहुत बड़ा रीजन है और इस केस में आपको जरूरत होती है डीएसटी ब्लॉकर्स की बाहर से भी और अंदर से भी डाइट में आपके पास डीएसटी ब्लॉकर कौन सा है जिंक यानी आपने अपनी डाइट में रेड मीट और शेल्फिश इंक्लूड करना है आप इसका सिंथेटिक सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं आपको पता है टॉपिकल दुनिया का सबसे पावरफुल डीएसटी ब्लॉकर कौन सा जो आपका हेयर फॉल जादू की तरह रोक सकता है दो हैं एक प्याज है एक रोजमेरी है इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पाकिस्तान में पहले बार एसिली पेराबेन फ्री सिलिकॉन फ्री हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव हर्ब्स के साथ अपनी ब्रांड बाय के अंडर रोजमेरी और अनियन आ, और लॉन्च किए हैं रोजमेरी ब्लॉकर स्पेसिफिकली हेयर ग्रोथ के लिए और अनियन जो है मेरा डीएसटी ब्लॉकर फिजिकली हेयर फॉल के लिए इसको आपने कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है हफ्ते में दो बार आप प्याज का तेल और शैम्पू यूज करेंगे एक बार रोजमेरी मेरी, मेरी गारंटी है एक साल में लगेगा कि आपने बाल जो है वो ब्लो ड्राई किए हुए हैं मोस्टली मैंने अपने बाल ड्राई नहीं किए होते हैं मैंने सिर्फ अपने बाल कॉम किए होते हैं सीनम लगा के इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ योर हेयर इट्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर वो अच्छा होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए और तीन से छः हफ्तों में तीस परसेंट इंप्रूमेंट आ जाएगी यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में जाके मैंने लिंक दिया वह डब्ल्यू 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 डॉट हॉलिस्टिक विस्टम बाई सार चचावला डॉट कॉम पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं फेसबुक वाली जो ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंटमेंट नंबर के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक विजडम का पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है फायदा उठाइए लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट में रेडमीट और शेलफिश भी इंक्लूडेड रखना है प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपने अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्रूसी फेरस वेजिटेबल्स जो हैं वो इंक्लूडेड रखने हैं फ्रूट्स इंक्लूडेड रखने हैं और एक और अब मैं आपको वजह बताने लगी हूँ हेयर फॉल की स्ट्रेस हार्मोन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो भी आपके पास बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ये मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है आपको या किसी तरह का बायोमेडिकल स्ट्रेस भी हो सकता है बॉडी के अंदर कोई बीमारी भी चल सकती है इसका एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट बताऊंगी अपने साठ से सत्तर बाल खींच के देखें अगर आठ या नौ से ऊपर बाल आपके हाथ में आते हैं ना इसका मतलब है कि आपका कॉर्टेस्ल हाई है दूसरा अगर आपके पास बाल गिरने की क्या रीज़न हो सकती है और ये मैं आपको बता दूँ कि एक दिन पर एवरेज हमारे तकरीबन सौ बाल गिरते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है आपके बालों के तीन फेज होते हैं एक ग्रोथ

क्रैश है या दूसरा एकदम आपको कोई शॉक लगे इमोशनल शॉक लगे या फिजिकल शॉक लगे एड्रीना ग्लैंड कंफ्यूज हो गया काम करना छोड़ दिया कॉटासोल हार्मोन से क्रिएट करना छोड़ दिया मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के वो किसी या डिवोर्स हुई होती है या किसी की जॉब गई होती है या किसी का कोई फैमिली का बहुत ज्यादा इशू चल रहा होता है किसी का जॉब का इशू चल रहा होता है रिलेशनशिप इशू चल रहा होता है वो सडन शॉक सडन ड्रामा सडन स्ट्रेस की वजह से एड्रीना ग्लैंड जवाब दे देता है स्ट्रेस हार्मोन नहीं करता और होता क्या आपको ऑटो डिजीज हो जाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट हो जाता है और इस किस में इस केस में किस तरह के बाल गिरते हैं एलोपिशिया यानी आपका इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रहा है आपकी हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रहा है और अब आपको बेल्ड पैचेज़ होंगे जगह जगह ये सडन स्ट्रेस की वजह से होता है मेरे साथ एक बच्ची काम करती होती थी एक बायोकेमिस्ट काम करती होती थी उसकी मदर की डेथ के बाद उसको बिल्कुल दो तीन महीने के अंदर सर पर ये पैचेज़ बनना शुरू गए थे और साथ ही उसको आई भी हो गया था ये अपने सामने जो वैसे तो मेरे पास बहुत केसेज आते हैं ये मैंने केस देखा था फिर हमने उसको ट्रीट भी किया था इस केस में भी डी ब्लॉकर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लेकिन यहाँ पर आपको साथ अपना स्ट्रेस भी मैनेज करने की जरूरत है खातन जो इस तरह के स्ट्रेस से गुजर रही हैं वो अपनी डाइट में अडेप्टोजेंस इंक्लूड कर सकती हैं शतावरी अश्वगंधा शोका आंला कायनात के बेहतरीन अडेप्टोजन है यानी वो आपके एडिनल ग्लैंड को फिर से इसकाबिल बनाते हैं कि वो स्ट्रेस हैंडल कर सकें और वो कॉर्टिसोल हार्मोन को सिक्रीट कर सकें मैंने इन चारों जड़ी बूटियों का मिक्सचर हार्मोलेंस पाउडर तैयार किया है पूरे पाकिस्तान में इसकी शिपमेंट हो रही है इसको एक टीस्पून घर में बने दही के साथ अगर आप लें इसमें शतावरी यशवागन्धा शो का आमला मौजूद है तो ये आपके जो मूड है उसको भी बेटर करेगा स्लीप भी बेटर करेगा आपकी हार्ट बीट भी बेटर होगी आप स्ट्रेस भी बेटर इंप्रूव कर सकेंगे मर्द हजरात के लिए ये तो खुवात के लिए मर्द हजरात के लिए मैंने सुपर मैन पाउडर तैयार किया है जिसमें शिलाजीत है ट्रेवल्स ट्रेस्टर्स है मका रूट है ये तीनों भी नेचर के बेहतरीन अडाप्टर जिनस हैं और खास ये मर्द हजरात के लिए तैयार किए गए हैं वो भी मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं मैं ऑर्डर करने का तरीका बता चुकी हूँ होप यह वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी एल सल गेट एन एथ इंफॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।